नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने या तो लोअर पीसीएस की प्री परीक्षा को क्वालिफाई कर रखा है या फिर अपकमिंग लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट किया है कुकू भाई ने, कहते हैं कि यदि कोई जो है लोअर पीसीएस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत नगर पंचायत की जॉब मिल जाती है तो क्या अपर पीसीएस या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल पाएगा, या फिर कौन सी बेस्ट जो है वो जॉब है लोअर पीसीएस में। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब हमारे पास जो है नौकरी में पावर होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस नौकरी में जितनी ज़्यादा पावर होगी उस नौकरी में उतना कम समय आपको मिल पाएगा आगे की फर्दर पढ़ाई करने के लिए। अब यदि हम बात करें दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि अधिशासी अधिकारी की, तो यहाँ पर वर्कलोड जो है काफ़ी रहता है, इसके पास पावर भी होती है, इसलिए इस नौकरी में आप फर्दर स्टडी जो है कर पाना मुश्किल होगा। मैं ये नामुमकिन तो नहीं कहूँगा मगर मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड जो है वो काफ़ी होता है। इसके अलावा यदि हम और पदों की बात करें, जैसे कि सप्लाई इंस्पेक्टर है दोस्तों, इसके अलावा मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, साथ में आप देखेंगे सहायक चकबंदी अधिकारी है, तो यदि इन सब में तुलना की जाए तो सहायक चकबंदी अधिकारी जो कि 4200 ग्रेड पे का है, यहाँ पर जो है वर्कलोड आपको बाकी जॉब के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलेगा और आप इसके साथ फर्दर स्टडी भी कर पाएंगे। वैसे तो दोस्तों डेडिकेशन का मामला होता है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि नौकरी पाने के बावजूद भी जो है तैयारी करते रहते हैं, मगर जब जो लोग नौकरी पा लेते हैं फिर वो धीरे धीरे करके जो है कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं, उसके बाद तैयारी कर पाना इतना आसान नहीं होता है। नौकरी लगते ही एक या दो साल में आपके घर वाले आपकी शादी करवा देंगे और फिर आगे फर्दर स्टडी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो तो उस समय के हालात ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अगर लोअर पीसीएस में अगर आप बात करेंगे तो लोअर पीसीएस में सहायक चकबंदी अधिकारी जो पोस्ट है उसमें रहकर आप और भी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो या कुछ आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि आपको पसंद आया करें तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।